दोस्तों, मैं नासिर लैपटेक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि डिम डिस्प्ले के केस को कैसे रिपेयर करते हैं। ये एक 1286 का बोर्ड है, फर्स्ट जनरेशन वाला बोर्ड है ये। इसमें देखिए LP8 8545 को चेंज कर दिया गया है, यानी काफ़ी जितना पॉसिबल था ट्राई कर लिया गया है, जम्पर वगैरह मार्क देख लिया गया है, लेकिन ये डिम डिस्प्ले ठीक नहीं हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करवाया है थ्योरी में, आप इस तरह की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पूरा लॉजिक पता है कि कैसे ये फंक्शन करती है। तो मैं इसमें कनेक्टर लगा देता हूँ और पावर डालता हूँ। मुझे थोड़ा सा फ़ैन लगा देना चाहिए इस पर, मेरे पास फ़ैन होना चाहिए लेकिन ये चलेगा नहीं। मैं 1278 का फ़ैन लगा देता हूँ, इसमें कम से कम घूमता रहेगा, इसे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑन हो रहा है। किसी तरह से जुगाड़ करके लगा देता हूँ। फ़ैन लगाने से होगा, पता चल जाएगा कि ये ऑन हो गया है। स्टार्ट हो गई है इसकी और फ़ैन स्पिन हो रहा है। और अब हमें देखना ये है कि वोल्टेज इसमें कौन कौन सी बन रही है, चूँकि LP8550 इस तरफ है, आपको बोर्ड दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। अभी मैं मल्टीमीटर पर ही चेक कराऊंगा आपको वोल्टेज। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं अगर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि 12 वोल्ट बनी है कि नहीं। ये आउटपुट की कैपेसिटर है जो मैंने बताया था कि कम से कम 10 माइक्रोफ़ारड की होनी चाहिए। ये 10 माइक्रोफ़ारड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सिरामिक कैपेसिटर है, इस पर 12 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर अगर हमें 25 वोल्ट मिल जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगी। तो ये क्यों नहीं आ रहा है? तो जैसा कि अभी मैंने इसको सिर्फ डायग्नोस किया है और मैंने देखा कि देखिए, मैं नॉर्मली ऐसे चेंज नहीं करता हूँ जब तक मैं उसके रूट कॉज तक नहीं पहुँच जाता हूँ। समटाइम होता है कि जब जल्दबाजी में काम करते हैं तो ऐसा करना पड़ जाता है कि कभी ये चेंज करके देख लिया, कभी वो चेंज करके देख लिया, लेकिन दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आपको उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुँचना पड़ेगा कि अब जैसे इसके अंदर इनपुट ही नहीं आ रही होगी तो इस आईसी की क्या गलती है, ये आईसी ख़राब नहीं हो सकती है उस कंडीशन में। तो इस तरह की प्रॉब्लम को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पूरा इंटरनल लॉजिक LP8550 का बताया है, सेम LP8545 का भी वैसा ही काम होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम इनपुट सारी आ रही है कि नहीं। तो तीन इनपुट अभी मैंने बताया था आपको कि जो VDD है, VDD IO है, LDO है, VIN है, ये तीन इनपुट सही होनी चाहिए। तो तीन इनपुट को मैं एक एक करके जब चेक कर रहा था तो इसमें से मुझे PP5V_S0 ये आ रही है VIN 23 नंबर पिन पर। तो इसकी 23 नंबर पिन अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि ये कहाँ पर है, मैं ही देख लेता हूँ। बॉटम टॉप, ठीक है, 23 नंबर है इसका, ये पॉइंट है 23 पर। ये देखिए, यहाँ पर इसकी VIN ही नहीं आ रही है, ठीक है। 23 नंबर चेक कर रहा हूँ मैं, ये VIN मिसिंग है। तो VIN आप जब ये मॉडल में बता देता हूँ आपको, 820-2850A है, फर्स्ट जनरेशन का A1286 वाला बोर्ड है। इसका VIN जो आ रहा है, इसका लोकेशन दिखा रहा है, मैंने बोर्ड व्यूअर में देख रहा हूँ मैं, तो ये एक रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, दो रजिस्टर लगी हुई है, इसके थ्रू ये होके आ रहा है यहाँ पर। और
R9701 ये पॉइंट है जहाँ पर आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर से ही S5 की जो वोल्टेज है ये तब्दील होकर के जा रही है बैक लाइट आर के नाम से, यानी PPVIN_backlightR के नाम से ये यहाँ से जा रही है, और ये रेजिस्टेंस का लोकेशन यहाँ पर है। आइए ज़रा इसको देखते हैं, आराम से पलट लीजिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सब नंगा है, खुला हुआ है, तो चूँकि देखिए यहाँ पर इसका ये भी खोल के देखा गया है, ये मार्केट से ही हमारे पास आया है बोर्ड। ये लोकेशन दिखा रहा है, ये इनपुट की साइड चेक कर रहा हूँ मैं, ये R9701 है ये, इसके इनपुट पर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट सही मिल रही है, और इसके आउटपुट पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये हमें, और ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम पर भी दिखा देता हूँ, R9701 ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आपको, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है। इस तरफ तो हमें वोल्टेज मिल रही है PP5 वोल्ट S0 वोल्टेज, S0 की जो स्टेट है यहाँ पर इन हो चुकी है, आउट नहीं कर रही है। इसका सीधा मतलब हो सकता है कि ये ब्लो अप हो गई है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद भी 2 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको ही देख लेते हैं, चूँकि इनपुट मिल रही है आउटपुट नहीं मिल रही है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे पहले। इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको बीप साउंड पर कर देता हूँ मैं, चूँकि देखना है मुझे कि यहाँ पर 0 ओम होनी चाहिए। ये देखिए 190 किलो ओम यानी 200 किलो ओम पहुँच चुकी है ये, तो ये रेजिस्टेंस ब्लो अप हो गई है, इसको अभी अब मुझे चेंज करना है। यहाँ से 0 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है हमें, तो इस पॉइंट पर 0 ओम लगी हुई है, इससे निकाल लेते हैं। और अभी मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि जो IC लगाई गई है वो सही है या ख़राब है, इस रेजिस्टेंस के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर इनपुट नहीं आ रही है तो IC की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा मुझे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी काम किया हुआ है बोर्ड पर, वैसे आपको ये सब नहीं देखना है काम किया है या नहीं, रिक्वायरमेंट समझनी है आपको कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप इसमें अगर ये चेक कर लेते हैं कि सारे इनपुट्स आ चुकी है, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सारे इनपुट आने के बावजूद अगर आपको आउटपुट नहीं कर रही है, तब आप अगर चेंज करते हैं तो दैट रियली मेक सेंस। अगर सारे इनपुट आने के बाद आप अगर IC चेंज करते हैं तो दैट रियली मेक सेंस, कि समझ आती है कि ये रीज़न हो सकता है, क्या IC ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर ये ऑन हो गया है, लेकिन अगर IC इनपुट नहीं मिलती IC को और आप IC चेंज करते हैं, ये देखिए डिस्प्ले आ गया है। और अब मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ।
क्या है कि आईसी तो सही थी पहले भी, किसी ने चेंज किया है। ये आपको जहाँ पर मैंने जो बताया था, यहाँ पर 32 वोल्ट आ रही है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको स्कीमेटिक में बताया, इंटरनल स्कीमेटिक में, कि यहाँ पर आपको आउटपुट 50 वोल्ट तक मिल सकती है। किसी किसी बोर्ड में मैंने देखे हैं कि 50 वोल्ट भी होती है, यूजुअली 25 से 30 वोल्ट तो मिलती है। और यानी LP 8550 एक बूस्ट अप रेगुलेटर है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, पूरा डिटेल से बता दिया है। रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ ये जाननी है कि इनपुट सारी मिलनी चाहिए, तो ही आपको आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक सारी इनपुट नहीं आई है। यहाँ पर ये इनपुट की रेजिस्टेंस ही ख़राब थी, जिसकी वजह से ये डिम डिस्प्ले आया हुआ था। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये डिम डिस्प्ले वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।